तो भैया आज आप ऑटो रिक्शा के हेलीकॉप्टर बनने से लेकर ऐसे ऐसे जोरदार जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स देखने जा रहे हो जो आपको दीवाना बना देंगे। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अब आप अपने सामने यहाँ देखोगे, इनको सिर्फ आपको देखना ही है। मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन्हें घर पर ट्राई ना करें, ये काफी खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 10, ड्रॉपिंग ऑटो रिक्शा फ्रॉम माउंटेन। दोस्तों इस वाले एक्सपेरिमेंट में दिलराज भैया सीधे एक ऑटो को पत्थर पे से नीचे फेंकने वाले हैं। अब ऑटो वैसे होते काफी मजबूत हैं, तो क्या लगता है ऑटो कितना टूटेगा? मेरे हिसाब से तो यार इनका वजन ज्यादा नहीं होता, तो टूट फूट तो कम होनी चाहिए। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. इस ऑटो रिक्शा की तो बैंड बज गई। जैसे ही इस ऑटो को नीचे की तरफ धक्का दिया गया, इस ऑटो का तो हाल बेहाल होने लग गया था। और लास्ट में आप देख सकते हो कि ये ऑटो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचता है। भाई साहब, सैड लाइफ। नंबर 9, फोन वर्सेस लेजर। दोस्तों चीजों को काटने के लिए तो दुनिया में एक से बढ़ के एक चीजों को बनाया गया है, पर क्या आपने किसी चीज को लेजर की मदद से कटते देखा है? तो अब जरा एक चालू फोन को लेजर से कटते देखो। जैसे ही इस लेजर को फोन से सटाया गया, तो चंद सेकंड में इस फोन के दो टुकड़े हो गए। भाइयों, इन लेजर की मदद से काफी चीजों को काटा जाता है, पर भैया फोन का ऐसा कटना तो सचमुच में हैरान कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल डेस्टिनेशन का वो लेजर वाला सीन याद है? हाँ वही वाला। नंबर 8, 20 पावरफुल मैन वर्सेस ट्रैक्टर। दोस्तों बचपन में तो आपने इस रस्सी खींचने वाले खेल को जरूर खेला होगा। अच्छा तो क्या आप ये बता सकते हो कि 20 आदमियों में ज्यादा दम होगी या फिर एक ट्रैक्टर में? तो इस एक्सपेरिमेंट में आप 20 आदमियों को एक ट्रैक्टर खींचते देखने वाले हो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, इंसान या फिर मशीन? 1, 2, 3। भैया इस बार का मुकाबला तो बराबरी का रहा, क्योंकि कभी ट्रैक्टर पीछे जाता था तो कभी ये 200 आदमी आगे जाने लगते थे, और फिर लास्ट में तो रस्सी ही टूट गई। पर भैया जो भी हो, ये मुकाबला था बड़ा कमाल का। पर वैसे देखें तो ट्रैक्टर का ही जीतना फिक्स लग रहा था, क्योंकि आदमी तो एक टाइम के बाद थक जाते, पर ये मशीन थोड़ी ना थकती। नंबर 7, जाइंट बलून वर्सेस कार। दोस्तों क्या एक जाइंट बलून को कार के साइलेंसर की मदद से फुलाया जा सकता है? और फूल सकता है तो ये कितनी देर में फूल सकता है? चलो देखते हैं। तो देखा आपने गुब्बारे का साइज कितना बड़ा हो गया था। कसम से यार ये एक्सपेरिमेंट तो एकदम कमाल था। अरे पर ये सब तो कुछ भी नहीं है, असली मजा तो तब आता है जब कार के साइलेंसर में मेगाफोन लगा दिया जाए। देखा था ना जोरदार। नंबर 6, 50,000 रबर बैंड्स वर्सेस हॉट ऑयल। दोस्तों यूं तो हम तेल में कई चीजों को तलते रहते हैं, पर क्या होगा अगर इसी गरम तेल में 50,000 रबर बैंड से बने एक बॉल को डाला जाए? रिजल्ट बड़ा शॉकिंग होने वाला है। सब भाग जाओ। 1, 2। We'll be right back.
तो देखा आपने, तेल में काफी ज्यादा बड़ी आग लग गई थी। मुझे तो लगा कि कहीं टीम एक्सपेरिमेंट टीवी वालों में से कोई इंजर्ड ना हो गया हो। तो दोस्तों देख रहे हो, ये सब कुछ काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पर नहीं दोहराना है। नंबर 5, नेवर पुट वाटर ऑन ग्रीस फायर। दोस्तों ऐसे तो जब कभी भी आग लगती है तो हम सबसे पहले उस पर पानी डालते हैं, पर क्या होगा अगर हम पानी की मदद से ग्रीस से लगी आग को बुझाने की कोशिश करें? हाँ जी, यहाँ जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही होने वाला है। तो देखा आपने, ग्रीस पर लगी आग पे जैसे ही पानी डाला तो आग बुझने के बजाय उल्टी और ज्यादा भड़क उठी। इसलिए दोस्तों ग्रीस की आग को कभी भी पानी से नहीं बुझाया जाता, यहाँ पर मिट्टी या फिर रेत की मदद ली जाती है। और एक और बात, अगर दोस्तों इलेक्ट्रिक फायर भी हुई हो ना तो भी मेरे भाई पानी मत डालना। अब क्यों मत पूछो, कुल मिलाकर मत डालना। नंबर 4, कार वर्सेस सुपर ग्लू। दोस्तों वैसे तो सुपर ग्लू बड़े से बड़े चीजों को चिपका देता है, पर क्या होगा अगर इसी सुपर ग्लू से हम किसी कार को जमीन से चिपकाने की कोशिश करें? क्या कार आगे बढ़ पाएगी? अभी कमेंट में बताओ। चलो देखते हैं भैया, बढ़ पाएगी या फिर नहीं बढ़ पाएगी। तो जब दोस्तों इन टायर्स के नीचे ग्लू को डालकर चिपकाया गया तो कार पूरी तरह से चिपक गई थी और काफी देर तक तो ये आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन कुछ वक्त बाद फाइनली गाड़ी आगे बढ़ी, पर फिर भी दोस्तों ग्लू में दम तो बहुत ज्यादा होती है। वो अमित भाई का एक्सपेरिमेंट याद है जिसमें उन्होंने खुद को सुपर ग्लू की मदद से उल्टा करके चिपका लिया था? हाँ यही वाला। नंबर 3, फ्रीजिंग पेट्रोल इन रेफ्रिजरेटर। दोस्तों क्या होगा अगर हम फ्रिज को ऑन करके उसके अंदर एक गिलास पानी को 24 घंटे के लिए रख दें? नॉर्मल सी बात है, वो जम जाएगा। पर क्या होगा अगर सेम चीज को पेट्रोल के साथ ट्राई किया जाए? तो पेट्रोल को मैं दिखाने वाला हूं और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल नहीं जमा है। तो भैया पेट्रोल तो इन भाई साहब के फ्रिज में भी नहीं जम पाया। तो दोस्तों अगर पेट्रोल को जमाना है तो जमेगा कैसे? तो अगर आपको पेट्रोल को जमाना है तो दोस्तों उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से लिक्विड नाइट्रोजन का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड अगर पेट्रोल को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाए तो ये इजीली जम जाएगा। पर अगर आप इसी जम चुके पेट्रोल को बाहर निकाल कर जमीन पर रखोगे तो दोस्तों आप पलक नहीं झपक पाओगे और पेट्रोल वापस से पानी जैसा बन जाएगा। इतने जल्दी पिघलता है पेट्रोल, देख रहे हो। नंबर 2, ड्राइविंग बाइक विदाउट ड्राइवर। तो भैया अभी तक आपने बाइक पर किए जाने वाले एक से एक स्टंट्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी किसी ऐसे स्टंट को देखा है जिसमें कोई बाइक राइडर ही ना हो? हमारे अमित भाई ने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया है, जरा इस पर भी नजर डालो। जैसे ही अमित भैया ने कुछ दूर बाइक को चला करके छोड़ा तो बाइक तो काफी दूर तक बिना ड्राइवर के चली गई। भाई साहब मान लो आप सड़क पर जा रहे हो और आपको ऐसी कोई बाइक दिखे तो क्या करोगे, कमेंट में बताओ। नंबर 1, मीट ग्राइंडर वर्सेस ईल। दोस्तों अगर आप कुकिंग वीडियोस देखते हो तो आपने मीट ग्राइंडर का यूज होते तो काफी देखा होगा, जिसमें एक साइड से मीट डालो तो अगली साइड से वो ग्राइंड होकर निकलता है। पर क्या होगा अगर कोई इसमें एक मर चुकी ईल को डालकर देखे? क्या होगा? तो
तो कूल आइडियाज वाले भाई साहब सबसे पहले इस मीट ग्राइंडर में मर चुकी फिश को मसाला लगाकर डालते हैं एंड वो ग्राइंड होकर बाहर निकल आती है। इसके बाद सब्जियों को भी ग्राइंड किया जाता है और फिर जब मर चुकी ईल को इस ग्राइंडर में डाला जाता है तो ईल के साथ भी जो फिश के साथ हुआ वैसा ही कुछ होता है। फिर ये भाई साहब इसकी सब्जी बना लेते हैं एंड इनका डिनर इस एक्सपेरिमेंट को करने में ही प्रिपेयर हो जाता है। भाई साहब कहाँ एक्सपेरिमेंट्स देखते देखते कुकिंग ट्यूटोरियल्स पर पहुंच गए। आपका मन भी हमारे वीडियोस में कहीं से कहीं चला जाएगा। नहीं मान रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भैया मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।